इस वक्त की एक बड़ी खबर, सीधे रुख करते हैं पोलैंड पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पोलैंड के वॉरसो में प्रधानमंत्री मोदी का एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है और ये विजिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत और पोलैंड का जो रिश्ता है, आप अगर देखें कि 70 साल हो गए हमें राजनयिक रिश्ते को लेकर, लेकिन भारत और पोलैंड के बीच एक पुराना रिश्ता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध से ही जो भारत के जो सैनिक है वो पोलैंड के सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है और पोलैंड के सैनिकों का साथ दिया है। मजे की बात ये है कि पिछले महीने ही तो अभी वो रशिया गए हुए थे कि वो मॉस्को गए तो वहां पे जाके उन्होंने उनको कह दिया कि जंग बंद करें। वो अब यूक्रेन जाएंगे, वहां पे जाके वो कह देंगे जंग बंद करें। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। एक बड़े लेवल का लीडर जिसकी बात दुनिया सुनती हो, जिससे दुनिया बात करती हो और जो एक ऐसा स्टेटस रखता हो कि वो किसी को कोई बात कहना चाहे तो धड़ल्ले से कह सके, वो कोई भी काम करवा सकता है। आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत के प्रधानमंत्री पहुँचे हैं पोलैंड और ये प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का विजिट रहेगा। और दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के वारसा एयरपोर्ट पर पहुँचे, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। और दोस्तों, भारत और पोलैंड के बीच एक पुराना रिश्ता रहा है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों ने पोलैंड के सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ी थी, इसीलिए भारत और पोलैंड के बीच काफी पुराना रिश्ता रहा है। और दोस्तों, पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन भी जाएंगे, जहां पर हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि अभी उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से जंग रोकने की बात की थी और ये काम सिर्फ भारत ही कर सकता है। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं और मजे की बात ये है कि पिछले महीने ही तो अभी वो रशिया गए हुए थे। बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि ये बेसिकली अंडर प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। अमेरिका जो है वो इमीडिएटली तो जंग को बंद करने में इतना इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा, ये यूरोपियंस का कहना है। सो अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वारसा जो पोलैंड के कैपिटल है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे पोलिश गवर्नमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है और आपको पता है मुराजती दिसाई के बाद, ठीक है जी, तब वो उन्होंने ये दौरा किया था और ये एक जैसे कहें ना एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है कि पोलैंड क्यों इतना अहमियत था। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने जब रशिया से निकल के ऑस्ट्रिया गए, तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक। उन्होंने तब भी, अब वो जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स, जैसे कि बाइडेन है तो वो चले तो वो 1-3 मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते, मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग को देखें, वो फ्रांस गए, फ्रांस से निकल के वो हंगरी आ गए जब लास्ट उन्होंने दौरा किया महीने-2 महीने पहले। सो अभी नरेंद्र मोदी साहब रशिया गए, रशिया से ऑस्ट्रिया आ गए, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड, पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे, जी मैं यूक्रेन जाऊंगा। और कोई पता नहीं है, एक मैं बढ़िया हम बात बताऊँ आपको, कोई पता नहीं है
रशिया इतने अरसे के लिए ये एक आधे दिन के लिए जंग को भी रोक दे, जिसे कहते हैं ना अनअनाउंस्ड सीज फायर का ऐलान कर दे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेज उन पे हमला ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये होगी, ये पॉलिसी होगी